सीमावर्ती इलाके से जहां एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर तस्करी कर ला रहे 22 पशुओं सहित 4 तस्करों को पकड़ा है। सभी तस्कर आदापुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। खबर है पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर हरपुर ओपी थाना क्षेत्र में नेपाल से पशुओं की तस्करी करने के क्रम में एसएसबी ने 22 पशुओं सहित 4 तस्करों को पकड़ा है। बताते चले कि कैंप नायक टोला के जवानों के द्वारा की गई कार्यवाही में 17 गाय, 3 बैल और 2 बछड़े के साथ 4 पशु तस्कर भारत नेपाल सीमा के नजदीक घोड़ा सहान ग्राम के पास से पकड़ा गया है, जो कि पशुओं की तस्करी में बहुत लंबे समय से संलिप्त थे। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए 3 तस्कर रुस्तम मियां पिता मुख्तार मियां, अब्दुल मियां पिता अल हसन मियां, आजाद हुसैन पिता कादिर मियां, तीनों आदापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लहरा टोला निवासी है। वहीं एक अंसादुल पिता तस्लीम आलम जो कि आदापुर थाना अंतर्गत सिरिसिया कला ग्राम का निवासी है। बताते चले कि इन दिनों सीमा पर काफी चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण तस्करों में खलबली मची हुई है और वे एसएमटी के शिकंजे से बच नहीं पा रहे। वहीं एसएसबी के सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने बताया कि भारत नेपाल सीमा तस्करी करने जा रहे 22 पशुओं सहित 4 तस्करों को पकड़ा गया है। पकड़े गए सभी तस्करों को निर्धारित कागजी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात हरपुर थाना को सौंप दिया जाएगा। गिरफ्तार किए गए सभी तस्कर भारतीय हैं। आज हमारी टीम पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत आने वाले भारत नेपाल सीमा का जायजा लेने पहुंची, जहां आपको बता दें कि जिले के आदापुर प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा एसएसबी 71वीं बटालियन के जवानों पर है। जब हमारी टीम सीमा पर स्थित एसएसबी के बेलदारवा मठ कैंप पहुंची तो पता चला कि एसएसबी के द्वारा किए गए कार्यों से सीमावर्ती क्षेत्र के गाँव के लोग काफ़ी खुश हैं और उनमें खुशी का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ तस्करों में खलबली मची हुई है, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर वर्तमान एसएसबी 71वीं वाहिनी के द्वारा पूरी तरह से तस्करों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत हद तक सशस्त्र सीमा बल के जवानों को मदद मिली है। सीमा क्षेत्र के ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि बेलदार मठ कैंप में नव पदस्थापित कैंप प्रभारी सह सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने जब से कार्य संभाला है तब से बॉर्डर एकदम शांत है और तस्करी पर लगभग पूर्णतः लगाम लगी हुई है और एसएसबी के जवानों से किसी भी प्रकार से तस्कर बच नहीं पा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि सहायक कमांडेंट चंदन कुमार समय समय पर सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में बैठक कर लोगों की समस्या को सुनते हैं एवं भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी बताया जाता है।
वहीं लोगों के द्वारा बताई गई समस्याओं को सहायक कमांडेंट चंदन कुमार के द्वारा अपने स्तर से हल भी किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र के गांव के लोगों ने बताया कि कैंप के जवानों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के प्रति व्यवहार काफी अच्छा रहता है। वहीं एसएसबी 71वीं बटालियन के बेलदारवा मठ कैंप के प्रभारी सहायक कमांडेंट चंदन कुमार ने बताया कि हमारे जवान सीमा सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती गांव के लोगों को कोरोना महामारी, मानव तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में जागरूक कर रही है। एसएसबी 71वीं बटालियन के जवान सीमा सुरक्षा एवं बंधुत्व को बखूबी निभा रही है। साथ ही श्री कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में समय समय पर बैठक का आयोजन कर लोगों के द्वारा प्राप्त हुई समस्याओं को हल करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। बैठक के दौरान लोगों को बाल मजदूरी न कराने व मानव तस्करी पर भी जागरूक किया जाता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पे ऑटो कितने साल से चला रहे हैं? 2013 से जी। अच्छा, यहाँ जैसे आप लोग ऑटो चलाते हैं तो इसमें अभी कुछ लोगों के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि आप लोग तस्करी का सामान भी यहाँ से ले जाते हैं आधापुर, क्या ये सही बात है? क्या आप लोग ले जाते हैं इस तरह के, या आपका कोई भाई ऐसा करता है क्या? सर, हम लोग कभी नहीं ऐसे किए हैं, नहीं देखे हैं, नहीं सुने आज तक। तो जो भी कंप्लेन किया है वो इसका मतलब झूठा आरोप है आप लोग पर, आप लोग का रोजी रोटी बंद करवाने का मुद्दा है वो? कोई झूठ बोला होगा सर, है ना जी। एसएसबी के आने से क्या क्या फायदा हुआ है और कौन सा गांव पड़ता है ये? टोला कटहरिया वार्ड नंबर 1 लाल छपरा का है। इसमें एसएसबी के आने से हम लोगों का बहुत फायदा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना भी हो सकता है वो लोग हेल्प करते हैं, यही बात है। और यहाँ पे जो मानव तस्करी या कोई सामान का लेन देन तस्करी हो रहा था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब से ये लोग बैठे हैं यहाँ पे कोई तस्करी नहीं है, सारा तस्करी रुक गया। एसएसबी आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है? बहुत अच्छा व्यवहार है उन लोगों का। अच्छा भैया, एक बात बताइए, अभी जो एसएसबी के जवान लोग यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, उन लोगों से आप लोग को कोई दिक्कत उक्कत होता है? नहीं, हम लोग किस तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। दुर्व्यवहार किसी तरह का, मारपीट आप लोग के साथ नहीं करता है? कोई कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो भी है बॉर्डर पे सब चीज़ सही लग रहा है आप लोग को? जी, अभी तो हम लोग को ठीक है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों से। अच्छा, आप लोग के रोजी रोटी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से आप लोग टेम्पो चला रहे हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई बातचीत? वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी तस्करी पर लगाम इन लोग के द्वारा लगाया गया है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ से माल उल नहीं ना जा रहा है? नहीं, अभी तो बॉर्डर बहुत टाइट हो रहा है। बॉर्डर अभी टाइट है? हाँ, बहुत टाइट है। कोई दिक्कत पहले से ज्यादा है कि पहले से ज्यादा है? पहले से ज्यादा है। खबर है राजधानी पटना से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवरात्र के 8वें दिन पटना सिटी स्थित कई शक्तिपीठ मंदिरों में पूजा अर्चना करने पहुंचे। उसी कड़ी में अगमकुआं शीतला मंदिर और शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना किया और लोगों को नवरात्र की बधाई देते हुए बिहार की प्रगति की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी माता के दरबार में आया हूं, मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है मां के दरबार में आने से, और माता समस्त बिहार के जनता को सकुशल और स्वस्थ रखे। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सर, बोलने तो दिया जाए सर, नहीं दे रहा। हर साल आते हैं अष्टमी के दिन, आज भी आने का मौका मिला है, बहुत प्रसन्नता होती है भीतर से कि आज अवसर मिला। ऊपर मेरा कौन है? नवरात्रि के शुभ अवसर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड DDD यानी डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी की अनूठी पेशकश को बिहार एवं झारखंड की जनता को समर्पित किया गया है। इसका शुभारंभ बिहार एवं झारखंड में 4 स्थानों पर एक साथ किया गया, जब कुल 7 बॉयलर का उद्घाटन प्रमुख रिटेल पूर्व
देवाशीष नायक ने पटना में और अन्य क्षेत्रीय प्रबंधकों ने मुजफ्फरपुर, बरौनी एवं रांची में किया। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सदैव ही ग्राहकों की सेवा के लिए नई पेशकश लाने में अग्रणी रही है और इसी सिलसिले में आगे बढ़ाए हुए यह ईंधन वितरण प्रणाली भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। वहीं DDD और PESO यानी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है। नाप तौल विभाग द्वारा प्रमाणित ऑटोमेटिक मशीन युक्त के बॉजर इन उद्यमों के द्वार पर जाकर सुगमता से उचित गुणवत्ता और मात्रा में डीजल मुहैया कराया जाएगा और इसकी पहल के साथ ही सुरक्षा के सारे आयामों पर खरा उतरता है। इस कार्यक्रम के उप महाप्रबंधक लुब्रिकेट पूर्वी क्षेत्र शशि सिंह, मुख्य प्रबंधक रिटेलिंग इनिशिएटिव पूर्वी क्षेत्र मनोज चावला, बिहार एवं झारखंड राज्य प्रमुख नितिन सेलुकर और कई ग्राहकों सहित अब्दुल कादिर, जो पहले बिहार झारखंड के व्यक्ति रहे हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जी, आज शुरुआत आप कर रहे हैं ये डोर टू डोर डीजल डिलीवरी का, क्या कहें? कहना यह है कि आज भारत पेट्रोलियम हमको एक शुभ अवसर पर 11 अक्टूबर को हमको भारत पेट्रोलियम सबनानी सर्विस स्टेशन के नाम से हमको 2 पंप मिला है, जो पूरे बिहार में हम डीजल सप्लाई कर सकते हैं और इससे काफ़ी लोगों को सुविधा होगा कि जो जहां तेल पर तेल ले जाने में कठिनाई होती है वहां पे हम डोर टू डोर पहुँचा देंगे और तेल जो है अच्छा और अच्छा मिलेगा। इसका मुख्य काम क्या होगा, किस टाइप का आपका गाड़ी रहेगा, किस टाइप से आप लोगों को सेवा देंगे? देखिए, ये डोर टू डोर का सर्विस होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस नहीं मिलने के कारण बहुत कठिनाई होता है। मान लीजिए कि अब कोई प्लांट काम चल रहा है, वहाँ तेल नहीं जा रहा है, मशीनरी खाली ऐसा ही रह रहा है, तो उसको तेल लेने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है, तो वहाँ पे सुविधा देंगे, वहाँ डोर टू डोर पहुँचाएँगे और डीजल को प्रोवाइड करेंगे। आइए, भारत सरकार खुद ये स्कीम निकाला, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमको ये 2 पंप मिला, हमको भारत पेट्रोलियम दिया हमको कि आप ये काम कीजिए। तो इसी क्या नाम है आपके कंपनी का? सबनानी सर्विस स्टेशन। अच्छा, इसी आप टैंकर के थ्रू लोगों को घर तक, इसमें नोजल वगैरह सब कुछ लगा? हाँ, इसमें नोजल लगा हुआ है, इसमें नोजल लगा हुआ है, मीटर भी लगा हुआ है, ये सरकार के ऑथोराइज मीटर है लगा हुआ है, इसमें कोई चोरी होने का कोई संभावना नहीं है, इसका ये सारा ऑटोमेटिक चीज है, सब कुछ ऑटोमेटिक। हाँ, ये सारा डेटा। आप कितनी गाड़ियां यहाँ से बिहार में पहली बार? अभी फिलहाल बिहार में, पूरे बिहार झारखंड में मेरा पहला गाड़ी है जो आज यहाँ से, आज जो यहाँ से लॉन्च हो रहा है। 11 अक्टूबर को बिहार के स्टेट हेड आए हुए हैं, वो सम्मानित कर रहे हैं और 2 पंप मेरा अभी स्टार्ट हुआ है और फ्यूचर में मेरा और भी गाड़ी बढ़ेगा। अपना परिचय दीजिए। हम मेरा ये भी मेरा नाम अब्दुल कादिर हुआ, कंपनी का और कंपनी का नाम सबनानी सर्विस स्टेशन NLP हुआ। खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां भारत नेपाल सीमा पर SSB के 71वीं वाहिनी के द्वारा लोगों के बीच किए जा रहे हैं जन कल्याणकारी प्रोग्राम तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश के तहत चलाए जा रहे हैं विभिन्न तरह के प्रोग्राम, जिसके तहत आज एक खास प्रोग्राम ब्यूटिशियन प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है, जिसका मकसद सीमा क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी कार्यक्रम के तहत SSB के 71वीं वाहिनी के कमांडेंट देव आनंद के तत्वाधान में सशस्त्र सीमा बल चौकी कोरैया के प्रांगण में रमा फाउंडेशन के निर्देशन में 20 दिवसीय ब्यूटिशियन कोर्स का प्रारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें विभिन्न सीमा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 12 युवतियां तथा महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। आपको बताते चले कि ब्यूटिशियन कोर्स SSB के द्वारा निःशुल्क कराया जा रहा है तथा इसकी कुल अवधि 20 दिन की है। इस तरह के प्रोग्राम चलाने से क्षेत्र की महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर हो सकेंगी तथा वे अपने परिवार तथा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में आत्मनिर्भर हो सकेंगी, साथ ही साथ अपने बच्चे या परिवार के किसी भी सदस्य के बॉर्डर से संबंधित किसी भी प्रकार के गलत कार्य या किसी भी अन्य प्रकार के गलत कार्यों में शामिल होने से रोक पाने में सक्षम होंगी। SSB के द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं से सीमावर्ती क्षेत्र के जनता काफी खुश हैं
तथा यह लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से इसी प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं लगातार चलाई जानी चाहिए ताकि उन्हें विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण मिल सके और जिससे वे अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर हो सके। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में भारतीय सीमावर्ती गांव के लोगों में काफी गरीबी तथा अशिक्षा व्याप्त है तथा रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण वह जाने अनजाने में तस्करों के लिए कैरियर का कार्य करने में लग जाते हैं, जिसके बारे में समय समय पर ग्राम स्तरीय बैठक के द्वारा भी उनको सूचित किया जाता है कि वह गलत कार्य में शामिल ना हो। इस पावन अवसर पर सत्यकाम तोमर सहायक कमांडेंट, चंदन कुमार सहायक कमांडेंट, उप निरीक्षक गोपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक संदीप सहायक, सहायक उप निरीक्षक हैदर, कैंप के दर्जनों जवान समेत कोर्स में शामिल हो रहे प्रतिभागियों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। आदापुर संवाददाता राम प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। ऐसा है कि आप इसको सीखने के बाद अपने घर से भी चला सकते हैं और अगर चाहें तो आप अपना कोई छोटा शॉप खोल कर भी स्वरोजगार कर सकते हैं। जो मैडम सिखाती हैं उसको अच्छे से सीखना है और बाकी जो किट दी जाती है उसके बाद अपने घर में, परिवार में जो भी पड़ोस के लोग हैं उनके ऊपर भी अपना ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारी बेटी कुछ सीख के आ रही है, अपना कुछ योगदान देगी। और मैं सभी को यही कहूंगा कि जो भी कोर्स चलाया जाता है उसको अच्छे से सीखें, तो जो समझ में नहीं आती है उसको मैडम को बताएं और हम लोग बीच में ज़रूर आएंगे देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोर्स शुरू कर दिया है और चलता रहेगा। बिहार की राजधानी पटना के रुद्र शक्ति सेना के प्रदेश कार्यालय में रुद्र शक्ति सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री अमित हिंदू जी के नेतृत्व में बैठक रखी गई, जिस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री अनमोल हिंदू जी एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री आशु गुप्ता जी के द्वारा संस्था के विस्तार को लेकर कई नए पदाधिकारियों का गठन किया गया एवं साथ ही महिलाओं की समस्या एवं उनके रोजगार पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ अपने बात को रखकर जिला वाराणसी की महिलाओं को जागरूक कर उनको आए दिन हो रहे महिलाओं के साथ अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली महिला सत्या रानी को प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त की गई। साथ ही युवा शक्ति के दायित्व पर प्रत्युष कुमार सिंह राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किए गए तथा उन्होंने राय देते हुए कहा कि आए समस्त पदाधिकारियों के लिए सदा रुद्र शक्ति सेना तत्पर रहेगी। इस बैठक में उपस्थित रहे विनोद कुमार गुप्ता कानूनी सलाहकार, वैद्यनाथ कुमार प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ सचिव, नीरज कुमार पटना जिला युवा शक्ति सचिव एवं अमित कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सेना में क्या कुछ कहेंगे आप? रुद्र शक्ति सेना में जुड़ने का मुझे मौका मिला, इसके लिए आभार। इसके लायक मुझे समझा जा रहा है और इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि इस पे खरे उतरूं। आपके द्वारा महिलाओं को भी बताया जाएगा कि महिला किस तरह इस संगठन से जुड़े? हाँ, महिलाओं को मैं प्रेरित करूंगी कि इस संगठन से कैसे जुड़े और अपनी हिंदुत्व विचारधारा। आपकी संगठन से जुड़ने से लोगों को क्या फायदा होगा? हमारे संगठन से जुड़ने से फायदा ये है कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो विरासत, मतलब हमारे भारत की जो सभ्यता थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसको फिर पुनर्जीवित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्या रानी। का बैठक किया गया है, क्या पर्पस है? आज सबसे पहले तो मैं समझ आए जितने भी हमारे समस्त पदकारीगण और सदस्यगण हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो मैं सबसे पहले आप सभी को यह सूचना देना चाहता हूं कि आज जो यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है संगठन के विस्तार के लिए कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और मैं अमित जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके इस बैठक में बुलाया। मैं रुद्र शक्ति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी को आज ये विस्तार हुआ कि किस संगठन को हमारे हिंदुत्व के प्रति जो हो रहा है वेद का ज्ञान, इसके कैसे कैसे हम लोग स्कूल चलो अभियान के द्वारा माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और हमारा नारी शक्तिकरण का भी पटना में विस्तार किया गया जिसमें कुछ पदकारियों को नियुक्तिकरण की गई, जो आगे की जो किनको कैसे क्या नियुक्तिकरण की गई है उसके लिए हमारे अमित जी, हम चाहेंगे दो शब्द करें और सभी के बारे में बताएं। मीटिंग रखा गया है, इसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संगठन से हिंदुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना है
पूरे हिंदुस्तान में और जनमानस में यह बात लानी है कि आरएसएस जो हमारा है रुद्र शक्ति सेना, तो रुद्र शक्ति सेना में जितने भी हमारे पदाधिकारी नए पदाधिकारी जुड़े हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी कि वो सही ढंग से इस कार्य का निष्पादन करें और समाज में जितने भी जो लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें और संगठन को विस्तार देने का। आप संगठन में कानूनी सलाहकार हैं, किस तरह लोगों को कानूनी सलाह का आप मदद पहुंचाने का कार्य करेंगे? शक्ति सेना से जो भी हमें कार्य दिया जाता है उनका निष्पादन करने का मैं काम करता हूं और अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हम बाहर बाहर से आते हैं, प्रदेश के बाहर से भी आते हैं, बनारस से, मध्य प्रदेश से, कलकत्ता से, सभी लोगों का मैंने जो है आपने देकर, जितने लोगों का अभी तक कार्य में हेल्प किया है उन लोग से निशुल्क करते हैं? अभी तक तो हम जो जो दिया जाता है उसको निशुल्क ही मैं करने का प्रयास करता हूं संस्था के माध्यम से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विनोद कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार रुद्र शक्ति सेना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें हम लोगों ने ये निर्णय किया कि एक नई समिति बनाई जाए, नए लोगों को पदभार दिए जाए और नए तरीके से हम लोग काम करें। और आज एक हमारी संस्था में मतलब नई नारी शक्ति के लिए भी हमारी नई जुड़ी सत्यारानी जी यहाँ पे, तो अब हम लोग संस्था को संगठन को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं फिर से और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, हिंदुत्व के लिए अलग जगाएंगे और नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लोगों के बीच में आप अपनी बात किस तरह रख रहे हैं? लोगों के बीच में बात रखने के लिए हम लोग सबसे पहले तो जितने सक्रिय सदस्य हैं उनको हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं और अपनी हिंदुत्व को कैसे आगे ले जाना है इस बात को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आज एक तरीके की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमारे जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया गया। जैसा कि हमारी संस्था का नाम है रुद्र शक्ति सेना, रुद्र शिव का नाम है, शक्ति पार्वती, तो रुद्र शक्ति ये हमारी जो पूरी विरासत है हिंदुत्व की उसको लेकर के चलने का हमारा ध्येय है और उसमें कहीं कोई रुकावट चाहे वो शिक्षा के माध्यम में हो, चाहे जैसे मिशनरीज में वंदे मातरम को ऑमिट कर दिया गया है, ये चीज़ आनी चाहिए। ऐसे असंख्य चीज़ें हैं जिसको पुनर्स्थापित करने का काम है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको करके दूसरे किसी, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर कोई दूसरा समाज हो जो हिंदुत्व को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वहाँ उसको हम भरपूर जवाब देने का काम आने वाले समय में करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रत्युष कुमार सिंह। से मीटिंग रखने का सबसे पहले सभी को मैं जय श्री राम हरण महादेव वंदे मातरम। आज मीटिंग का पर्पज ये है कि कार्यकारिणी बैठक रखी गई जो कि बिहार की राजधानी पटना में है ना, प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक जो है नए कार्यालय में रखी गई और ये जो मीटिंग रखी गई है कि हमारे विस्तार संगठन का किस तरह किया जाए वो और हमारा जो आगे वाले भविष्य में आने वाले भविष्य में किस तरह से हम संपूर्ण भारत में अपने संस्था का विस्तार करेंगे और पटना सहित अन्य बिहार के भी, और हमारे इसमें ये भी चर्चा हुई कि हम लोग जो बच्चे हैं गरीब हैं उनको निशुल्क शिक्षा किस माध्यम से देंगे और हिंदुत्व को कैसे बढ़ावा देंगे, उसके लिए हम लोगों ने सभी संगठन के और भी पदाधिकारियों को सक्रिय किया और एक्टिव किया है और आगे चल के हम लोग इसको बहुत बड़ा विस्तार रूप देंगे जिसमें सभी भाई लोगों का सहयोग है, ठीक है। बाकी आगे चल के हम लोग इसके लिए जो गरीब हैं उसके लिए वेद का ज्ञान के लिए स्कूल माध्यम जो है उसके लिए कर रहे हैं हम लोग। आपके संगठन के द्वारा सरकार के द्वारा जो पढ़ाई एजुकेशन के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, इस विषय पे भी बच्चों को जानते हैं? विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी स्टूडेंट क्रेडिट जो कार्ड आया है उसके लिए, तो जो विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलता है उसको लाभ हम लोग अपने संस्था के माध्यम जो सरकारी लाभ जो उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास जारी है मधुबनी से भी काफ़ी साल पहले से भी और अभी तक जारी है और कंटिन्यू हम लोग इसके लिए जारी रखेंगे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची पटन देवी मंदिर, किया पूजा अर्चना। खबर है पटना सिटी से जहां शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है और लोग माता के मंदिरों में माता का पूजन और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
क्या आम और क्या खास, माता के दर्शन हेतु माता के दरबार में लोगों की हाजिरी लग रही है। इसी क्रम में आज बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंची। जहां उन्होंने माता पटन देवी का दर्शन और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने बिहार की उन्नति और प्रगति की भी कामना की। पटना के शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मंदिर परिसर में लगे CCTV से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर राधाकृष्ण सभागार में दुर्गा पूजा 2021 के अवसर पर आज जिले भर में विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। सभी आयोजनकर्ता एवं पंडाल में सैनिटाइजर का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे एवं मास्क का जरूर प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि DJ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पूजा आयोजकों द्वारा ई दर्शन की व्यवस्था कराने के लिए निर्देश दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके। वहीं सभी पंडालों में CCTV कैमरे की नज़र में भीड़ भाड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित की जाए एवं सभी प्रोसेशन एवं जुलूस का वीडियोग्राफी हर हाल में सुनिश्चित की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल एवं पूजा वाले स्थल पर किसी भी प्रकार का आस्था को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके प्रति विधान की धारा 153A 505 के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये धाराएं संज्ञेय एवं गैर जमानतीय है। वहीं पुलिस अधीक्षक सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन एवं पंचायत चुनाव में बेहतर कार्य करने हेतु बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर समाहर्ता पुलिस उपाधीक्षक मोतिहारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्ष उपस्थित थे। बड़ी खबर है, इमारत ए सरिया के चुनाव में 8वें अमीर बने फैसल रहमान। समाज की रणनीति को बदल सके, बेहतर कर सके, युवाओं की सोच के हिसाब से युवाओं की। खबर है, बिहार, झारखंड और ओडिशा के मुसलमानों के सबसे बड़े इदारा इमारत ए सरिया के 8वें अमीर ए सरिया के चुनाव में फैसल रहमानी 7वें अमीर ए सरिया मौलाना वली रहमानी के साहबजादे हैं। मूल रूप से अहमद वली फैसल रहमानी बिहार के मुंगेर के खानकाह रहमानी से ताल्लुकात रखते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के कारण मौलाना वली रहमानी का इंतकाल हो गया था। एक बार फिर से मौलाना वली रहमानी के साहबजादे ने 347 वोटों से 8वें अमीर के रूप में बाजी मार ली है, जिस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अमीर का चुनाव आम सहमति से होना था, लेकिन दो लोगों की दावेदारी से अमीर के चुनाव में असहमति पर पेंच फंस गया। इसके बाद चुनाव को वोटिंग प्रक्रिया से पूरा किया गया। इस चुनाव में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कुल 851 अरबाब ए हल ओ अकद व उल्मा शामिल हुए। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बिहार पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स QRT, दंडाधिकारी, ब्रज वाहन, फायर ब्रिगेड समेत वरीय अधिकारी मौजूद थे। कड़ी सुरक्षा के बीच में चुनाव को संपन्न कराया गया। बता दें कि 5 में से 2 ही उम्मीदवार मैदान में रहे। अमीर के चुनाव में पहले 5 उम्मीदवार सामने आए, लेकिन 3 ने अपना नाम वापस ले लिया। 2 उम्मीदवार अहमद वली फैसल रहमानी और अनिसुर रहमान कासमी के बीच मुकाबला हुआ। अधिकतर अरबाब ए हल ओ अकद व उल्मा पहले से ही अहमद वली फैसल रहमानी के पक्ष में थे, लेकिन अनिसुर रहमान कासमी के मैदान में आने से पेंच फंस गया और सर्वसहमति से अमीर की घोषणा नहीं हो पाई। चुनाव प्रक्रिया में सभी को भाग लेना पड़ा। वहीं अहमद वली फैसल रहमानी के 8वें अमीर बनने पर मौलाना शकील हाशमी, JDU के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद उमर और दानिश खान ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये जीत हम सबकी जीत है। हम एक ऐसा अमीर चाहते थे जो देश विदेश में बुलंदियों को छुए, नाम रोशन करे और हम सब लोगों की आवाज़ बन सके। वो सब कुछ नए अमीर अहमद वली फैसल रहमानी साहब में झलकता है। गौरतलब है कि वली साहब के इंतकाल के बाद उनके बड़े सहजादे
अहमद वली फैसल रहमानी के शहजादा नशी के ओहदे पर ताजपोशी की गई। अहमद वली फैसल रहमानी के शहजादा नशी के ओहदे पर ताजपोशी की गई थी। अहमद वली फैसल रहमानी अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से आईटी में कॉलेज टॉपर और इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रह चुके हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े ओहदे पर भी रह चुके हैं। फैसल अरबी अंग्रेजी के साथ दीनी दुनियावी तालीम दोनों में योग्यता रखते हैं। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किस चीज को ध्यान में रखकर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? देखिए, हर लिहाज से लोग बदलाव चाहते हैं, सियासी दुनिया हो, सामाजिक दुनिया हो या धार्मिक दुनिया हो। आज का युवा बदलाव चाहता है और लोग ये चाहते हैं कि धार्मिक स्थल से भी कोई अगर कोऑर्डिनेटर हो, कोई रहबर हो, कोई कायद हो, तो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावी ज्ञान का वो माहिर हो, ताकि हालात के हिसाब से समाज की रणनीति को बदल सके, बेहतर कर सके, युवाओं की सोच के हिसाब से युवाओं के उज्जवल भविष्य पर उसकी नज़र हो और धार्मिक के साथ साथ दुनियावी नॉलेजेबल पर्सन का होना ज़रूरी है। तो मेरी ये सोच है कि आज का जो ये वोटिंग प्रक्रिया चल रहा है, जिस व्यक्ति के पक्ष में बिहार उड़ीसा झारखंड के लोग यहाँ जमा हुए हैं, वो अपने आप में एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, धार्मिक स्थल से भी और दुनियावी स्थल से भी। उनकी बात समाज में सुनी जाती है, युवा पीढ़ी उनको पसंद करते हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें भी अमीर बनाया जाए और 110% उम्मीद है कि उन्हीं की जीत। अपना परिचय देंगे? शकील हाशमी, जिला अध्यक्ष। सुबह से वोटिंग प्रक्रिया जारी है, क्या लोगों की दिलचस्पी है, क्या कुछ हो रहा है? लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि नए अमीर जो बने अच्छे ढंग से काम करें यहाँ पे और अपने आवाम के फलाह के लिए जो भी काम हो सकता है वो सब यहाँ पे देखें और अच्छे तरह से चलाएं इसको। मुद्दा क्या रहा इस बार का? मुद्दा ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि नौजवान जो भी हो हमारे सैयद बने हमारे यहाँ पे और चीज़ों को अच्छी तरह से देखें, समझें और अच्छी तरह से अपने माशरे को आगे लेके चले। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो बिहार के कौन कौन से लोग इस बार भागीदारी निभा रहे हैं इसमें? कितने लोग इमारत के मेंबरान होते हैं इसमें? 851 मेंबरान हैं इमारत के खुद के, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। उन लोग अपने वोट से अधिकार से ही चुन एक अमीर को चुनेंगे हम लोग के, जो हम लोग सरपरस्ती करेंगे। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मोहम्मद उमर हुआ, प्रदेश अध्यक्ष JDU। क्या कुछ इस बार खास है और क्या लग रहा है आपकी इस बार की, क्या कुछ होने वाला है? तीनों स्टेट का, बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीर का आज 8वां इलेक्शन है, अमीर को चुना जा रहा है। इसमें खासियत ये बात है कि अभी तक जितने भी अमीर जो बने उसमें नौजवान अमीर होंगे और इनके पास बासलाहियत है कि चीज़ों को करेंगे। कौन कोई बहुत उम्मीद है, नई चीज़ हो, नए लोग हों, यूथ हों, जवान हों, तो मेरे शरीयत से हमारी कम्युनिटी को बहुत उम्मीद है अच्छे और बेहतर। इस बार विशेष रूप से किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोटिंग को तरजीह कर दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं? शरीयत का निज़ाम सही से चले और कम्युनिटीज़ के हालात पे भी अरबे उसकी नज़र हो, उसके डेवलपमेंट पे काम हो, चाहे सियासी लोगों से बात करना हो, विचार करना हो, कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट पे एक अमीर काम करें, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नौजवानों को ध्यान में रख के ये किया जा रहा है? हाँ, हम नौजवान तो इसीलिए सोच रहे कि एक नौजवान बने। फैसल रहमानी साहब, अली रहमानी साहब बड़ा नाम है। कहाँ के हैं ये? ये मुंगेर खान का है, हजरत वली रहमानी साहब जो अमीर शरीयत थे उनके साहबजादे हैं, बड़े बेटे हैं। तो ये मतलब नेशनल इंटरनेशनल बहुत दुनिया का इनके पास अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर थे, उसको रिजाइन करके आए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब कोई बड़ी चीज़ों को दुनिया को छोड़ के आता है तो अपने लोगों के बीच में काम करना चाहता है, तो वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जिसके पास विजन हो। इस बार सर कौम में जो लोग लड़ रहे हैं, कौम के लोगों की राय क्या है? कौम के लोगों की जो राय है, देखिए इसमें बहुत कम्युनिटी लेवल पे वोट नहीं होता, इसमें इमारत के अपने मेंबर्स होते हैं वही लोग चुनते हैं, लेकिन असर इसका कौम पे होता है। तो वही उन लोगों की अपनी च्वाइस है। दो कैंडिडेट हैं, चार हुए थे लेकिन दो बैठ गए, ड्रॉप कर गए, दो के बीच में फाइट है,
पहले वाले निज़ाम से बहुत ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, एक नए निज़ाम के साथ लोग चलना चाहते हैं। पटना सिटी में नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजन राजधानी के सभी देवी मंदिरों एवं पूजा पंडालों में ब्राह्मणों की देखरेख में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ। अगमकुआं शीतला मंदिर में सुबह 4 बजे से ही लगातार भक्तों की भीड़ लगी रही, जहां मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा था। वहीं माता की आरती सुन देख और गाकर मन हुआ तृप्त। रंग बिरंगी दूधिया लाइट से सजा मां का दरबार, जय माता जी की गूंज से गूंजा पूरा वातावरण। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। माँ का पूजा लोग आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। माँ उनके विश्वास को बरकरार रखते हुए कि हर मनोकामना को पूरा करती है। आप देखिए मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ चली है, श्रद्धालु की ताता लगी हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल के कारण थोड़ी थोड़ी संख्या में मंदिर के अंदर श्रद्धालु को प्रवेश किया जा रहा है और माँ का पूजा भावतापूर्ण संपन्न करवाया जा रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं जितेंद्र कुमार, शीतला माता मंदिर पुजारी पर। आज दूसरा दिन माँ का पूजा अर्चना सुबह से ही चल रहा है। सुबह में यहाँ 5 बजे और हम लोग इस बार भीड़ को देखते हुए खास व्यवस्था ये किए हैं कि पश्चिमी से भीड़ यहाँ बढ़ेगा, इसलिए बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। और जहाँ तक हो संभव हमने डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, थाना प्रभारी से भी फोर्स की मांग की है। खासकर यहाँ महिला और बच्चों की ज़्यादा संख्या होती है, इसलिए महिला बल की नियुक्ति के लिए भी मांग किया है और कतारबद्ध से यहाँ पूजा अर्चना की व्यवस्था किया गया। आप अपना परिचय दे दीजिए बाबा। संजीव पासवान, मुख्य सेवा पुजारी। अगमकुआं थाना क्षेत्र के नंदलाल छपड़ा के समीप ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर हुई मौत। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। खबर है राजधानी पटना से, जहां तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के नंदलाल छपड़ा के समीप का है, जहां शनिवार को तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर ट्रक में आग लगा दी, जहां जाम होने से छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और उसके बाद वाहनों का परिचालन सामान्य कराया। वहीं पुलिस ने मृतक युवक की पहचान बिहार शरीफ निवासी राहुल कुमार के रूप में की है। फिलहाल पुलिस सब को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अथी हुआ तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। दो बजे एक्सीडेंट हुआ, 2 से 5 बन गया, बताइए वो लेडीज को मार रहे हैं सब, लेडीज को मार रहा है, सबको मार पड़ लिया तो प्रशासन। आप लोग आपके आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या किया, कौन मारा है, कौन मारा है, प्रशासन मारा कौन है जिनकी मौत।